जय शंकर की जय भोलेनाथ सभी साथियों को। ये स्थान मक्कू गांव है और यहाँ पे मक्कू मठ है। भोलेनाथ पांच केदार में जो तुंगनाथ जी है उनकी शीतकालीन पूजा इसी गांव में इस मंदिर में अभी दर्शन करवाएंगे होती है और बहुत ही दिव्य और अलौकिक छटा है इधर की। ये एंट्रेंस गेट है श्री तुंगनाथ जी भगवान का प्रवेश द्वार। जय शंकर की जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ। और कैसे हैं गुरु जी, कहाँ हैं गुरु जी? जय शंकर की जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुरु जी कैसे हो आप लोग? भोलेनाथ बोलो, तुंगनाथ महाराज की जय। बोलो तुंगनाथ महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, तेरी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ माता जी। जय भोलेनाथ, जय तुम जैसा मारो, जय हो तुम। जय भोलेनाथ भाई साहब। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। Thank you.
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय तुंगेश्वर भगवान। ये हमारे तुंगेश्वर भगवान भोलेनाथ के मुख्य पुजारी हैं। आपका शुभ नाम पुजारी जी? श्री जगदम्ब प्रसाद मैठाणी, स्वर्गीय श्री घनानंद मैठाणी, सबको सुपुत्र स्वर्गीय घनानंद मैठाणी। तो आपको राम मकुमठ। अभी जो है तुंगेश्वर भोलेनाथ के बारे में आप लोगों को, सभी को इनकी महिमा के बारे में बताएंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय शंकर। एक बार एक स्टीकर है, केदार भगवान तुंगनाथ जी है। प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय मधमेश्वर भगवान, तृतीय तुंगनाथ जी, चतुर्थ पंचम कल्पेश्वर भगवान जी। भगवान शंकर की जो है बहुत बड़ी महिमा है। और भगवान जब पांडवों का गोत्र हत्या लगी थी कुरुक्षेत्र में, तो भगवान शंकर को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए, गोत्र हत्या मुक्त करने के लिए ये जो है पहले महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ में गए, वहां शंकर भगवान दर्शन नहीं दिए। उसके बाद यहाँ से चले वहाँ केदारनाथ, केदार घाटी में गुप्त काशी में आए, गुप्त काशी में भगवान शंकर गुप्त हो गए। वहां से चले केदारनाथ, केदारनाथ भगवान, केदारनाथ में भगवान तुंगनाथ जी जो केदारनाथ जी जो है भैंस के रूप में जो है थोड़ा दिखाई दिए भीम जी, भीम को थोड़ा उनका जल्दी में उन्होंने जो है थोड़ा दर्शन पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़ लिया और उसमें जो है उनको काफी मोक्ष मिला। उसके बाद वहां से आगे चले भगवान, चलते चलते वहां मधमहेश्वर भगवान में जो है भगवान मध्य भाग का भगवान का दर्शन किया पांडवों ने। इसके बाद आगे चले पांडव लोग, तो यहाँ तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी ऊपर जो हम बाहू का जो है दर्शन किए भगवान के तुंगनाथ में। और उसके बाद आगे चले रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ में मुखमंडल का भगवान का दर्शन किए पांडवों ने। इसके बाद जो है कल्पेश्वर भगवान में गए, वो चलते चलते वहाँ जटाओं का दर्शन किए और आगे पुष्पतिनाथ में पूरे मुखमंडल पूरे शरीर का भगवान शंकर ने दर्शन दिए पांडवों को। इस प्रकार से उनके मन गोत्र हत्या मुक्त मने स्वर्ग सर लोगों से धारे। और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने इन मठों का माला स्थापना किया, उच्चारण होता है। इस प्रकार से जय हो तुंगनाथ, जय तुंगनाथ बोलो तुंगेश्वर भगवान की। जय भोलेनाथ। ये श्रद्धालु भी तुंगेश्वर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? यही मुकुमठ से। अच्छा अच्छा, मैठाणी लोग, मैठाणी लोग हैं जी हाँ। और बहुत भगवान के हम पे असीम कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जय भोलेनाथ, जय शंकर की। जो यहाँ पे मनोकामना के लिए आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो, जय हो, जय हो।